अस्सलाम वालेकुम स्टेट न्यूज़ मंसरा। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख हसास फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले को मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार देते हुए कालेदम करार दिया और इलेक्शन 14 मई को कराने का हुक्म दिया है। इस वक्त तारीख हसास फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादर फरमा दिया है, जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था। काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाला गया, सियासी दबाव डाला गया, मुख्तलिफ सतह से इस केस को उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख खास फैसला सुना दिया कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को कराने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले को गैर कानूनी करार दिया और इलेक्शन जो है वो पंजाब के अंदर मुकर्रर वक्त पर करवाने का हुक्म दिया। कुछ दिन इसको आगे 10-12 दिन दे के गए, लेकिन 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म सादर कर दिया गया है। अभी अभी की इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कल अदम करार दिया और मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन कराने का हुक्म सादर कर दिया।